नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दिष्टर उपाध्याय। 24 मार्च को रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना महामारी से देश को बचाने के लिए 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही विपक्ष में खलबली मच गई और मोदी विरोधी गैंग ने मोदी सरकार पर जमकर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें कांग्रेस के नेताओं ने गरीबों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी कड़ी में अब बीजेपी ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। दरअसल 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान कोई भी गरीब भूखा न सोए, इसके लिए बीजेपी ने एक अनोखी पहल की है। दरअसल बीजेपी के इस कदम से उन लोगों को फायदा होगा जिनके सामने रोटी का संकट पैदा हो गया था, यानी कि ऐसे लोग जो कि रोज कमाकर खाते हैं। इन लोगों के लिए बीजेपी ने कैंपेन की घोषणा की है। बीजेपी ने इस कैंपेन का नाम महाभोजन अभियान रखा है। इस कैंपेन का मकसद है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना सोए। बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में इस कैंपेन का ऐलान करते हुए बताया कि बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता 5 गरीबों के खाने की व्यवस्था करेगा। इसके लिए 1 करोड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ गरीबों को लॉकडाउन में भोजन कराया जा सकेगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 21 दिनों तक देश के 5 करोड़ गरीबों को आसानी से भोजन मिल सके। इस अभियान के तहत पार्टी के 1 करोड़ कार्यकर्ता हर रोज देश के 5 करोड़ गरीबों के भोजन की व्यवस्था करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस संबंध में सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि महाभोजन अभियान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखना होगा। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस की चपेट में आने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इससे संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ते बढ़ते 600 के पार पहुंच गई है। अच्छी खबर ये भी है कि 47 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। तो पूरे विश्व में अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वही लाखों लोग इस वायरस की चपेट में आकर संक्रमित हो गए हैं। भारत सरकार इस वायरस से जंग लड़ने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है और लगातार एक के बाद एक फैसले ले रही है। आप भी हर गाइडलाइन को फॉलो करें और अपने घरों में रहकर कोरोना वायरस की जंग को जीतने में अपना योगदान दें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।